हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 28 और 29 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें 20 एमसीक्यूज होंगे, जो 10 होंगे वो 29 मार्च के और 10 28 मार्च के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सर्वे के मुताबिक कौन सा एयरपोर्ट 7वें वर्ष दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है दुबई एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है चांगी एयरपोर्ट या ऑप्शन डी शंघाई एयरपोर्ट। तो इसमें जो नंबर 1 पे है वो है ऑप्शन सी चांगी एयरपोर्ट। देन नेक्स्ट है, निम्न से किस देश की वायुसेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है? कौन सी एयरफोर्स है जिन्होंने चिनूक हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है? तो ये ऑप्शन फर्स्ट है चीनी वायुसेना, ऑप्शन बी है अमेरिकी वायुसेना, ऑप्शन सी है यूरोपियन वायुसेना, ऑप्शन डी है भारतीय वायुसेना। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय वायुसेना या फिर इंडियन एयरफोर्स। थर्ड क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर को किस राज्य का उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात या डी गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है मनोहर अजगांवकर को। देन फोर्थ क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑफ स्पिनर ब्रूस यार्डली का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए 52 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 71 वर्ष या डी 84 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 71 वर्ष। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, किस मैगजीन के द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले 5 एनआरआई शामिल है? तो ऑप्शन ए है बीबीसी मैगजीन, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है यूनेस्को मैगजीन, ऑप्शन सी है फोर्ब्स मैगजीन या डी टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, मलयालम की जानी मानी लेखिका और कवियत्री अशिता का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है 52 वर्ष, ऑप्शन बी है 55 वर्ष, ऑप्शन सी है 63 वर्ष या ऑप्शन डी 75 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 63 वर्ष की आयु में इन लेखिका जो है अशिता इनका निधन हुआ है। देन सेवंथ क्वेश्चन है, किस देश के खोजकर्ताओं ने हाल ही में अपने देश में दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा खोज ली है? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी इराक। इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। जो इजराइल देश के खोजकर्ता है उन्होंने हाल ही में इजराइल में दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा खोज की, जो कितने किलोमीटर लंबी है 10 किलोमीटर लंबी है। और इस खोज से पहले ईरान में जो गुफा थी वो सबसे लंबी नमक की गुफा उसका रिकॉर्ड था जो ईरान में थी, और अभी कहाँ है इसराइल में। देन एट क्वेश्चन है, अमेरिका रूस और चीन के बाद किस देश ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल विकसित की है? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है ईरान या ऑप्शन डी भारत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारत। अमेरिका रूस और चीन के बाद भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल विकसित की है, जिसके परीक्षण के दौरान भारत ने 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सैटेलाइट को सिर्फ तीन मिनट में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया या नष्ट कर दिया। देन नाइन्थ क्वेश्चन है, परमाणु हमलों से रक्षा के लिए किस देश ने पहली सॉल्वो मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। परमाणु हमलों से रक्षा के लिए अमेरिका ने हाल ही में दक्षिणी कैलिफोर्निया या साउथ कैलिफोर्निया से 4000 मील मतलब 6400 किलोमीटर लगभग दूर दो मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जिसमें पहली जो सॉल्वो मिसाइल है वो भी शामिल की गई है। देन नेक्स्ट है, 43.4 करोड़ डॉलर की लागत से किस देश में बने डेजर्ट रोज म्यूजियम का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो ये कहां पर किया गया? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कतर। कतर में इस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है और इस
बहुत ही अच्छा ये भव्य समारोह हुआ था, और इसमें कतर के जो शासक है शेख तामीन बिन हमद अल थानी और फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप दोनों ही प्रेजेंट थे। देन 11th क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक में ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ऑप्शन कौन कौन से है यहाँ पर? ऑप्शन ए है यस बैंक, ऑप्शन बी है कैनरा बैंक, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसमें करेक्ट आंसर है आरबीआई ने जो अभी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, वो लगाया है पीएनबी या फिर पंजाब नेशनल बैंक पे। और इसका रीजन क्या है कि जो पीएनबी है उन्होंने वैश्विक मैसेंजर सॉफ्टवेयर एक आता है जिसका नाम है स्विफ्ट, उसके नियमों का उल्लंघन किया है। देन अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी और अभिभावकों को सभी जरूरी जानकारी से अपडेट रखने के लिए सीबीएसई बोर्ड ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है शिक्षा विकास, ऑप्शन बी है शिक्षा वाणी, ऑप्शन सी है शिक्षा अपडेट या डी टीचर शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षा वाणी। देन अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो की तरह किस कंपनी ने खुद की वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की है? ऑप्शन ए है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी वॉलमार्ट, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी गूगल। तो इसका करेक्ट आंसर है एप्पल। 14th क्वेश्चन है, चंद्रमा पर भारत के दूसरे अभियान चंद्रयान 2 के साथ किस अंतरिक्ष एजेंसी का एक लेजर उपकरण भी भेजा जाएगा? ऑप्शन ए ईसा, ऑप्शन बी भाभा, ऑप्शन सी नासा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नासा। देन 15th क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कितने मिनट में अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को मारकर गिराया है? तो इसमें हमने अभी देखा थोड़े टाइम पहले सेम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। तो ऑप्शन ए है 2 मिनट, ऑप्शन बी है 3 मिनट, ऑप्शन सी है 5 मिनट या ऑप्शन डी 7 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 मिनट में। 16th क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रदीप सावंत ने उप मुख्यमंत्री सुदीन ढवलीकर को पद से हटा दिया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरला, सॉरी ऑप्शन डी सी है गोवा या ऑप्शन डी केरला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोवा। 17th क्वेश्चन है, 12वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? कितने मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में? तो ऑप्शन ए है 5 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 15 मीटर या डी 20 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 10 मीटर। 18th क्वेश्चन है, श्रीलंका क्रिकेट ने हाल ही में किस गेंदबाज को आईपीएल में पूरे मैच खेलने की अनुमति दे दी है? तो इसके लिए ऑप्शंस है ऑप्शन ए दिनेश चांदीमल, ऑप्शन बी तीसरा परेरा, ऑप्शन सी लसित मलिंगा, ऑप्शन डी उपल थरंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है लसित मलिंगा। 19th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्कूटर 2 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाला देश का पहला स्कूटर बन गया है? तो ऑप्शन ए है हीरो प्लेजर, ऑप्शन बी होंडा एक्टिवा, ऑप्शन सी यामाहा फशीनो, ऑप्शन डी ड्रीम युग। तो इसका करेक्ट आंसर है होंडा एक्टिवा। देन आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में मार्शल द्वीप से एंटी ICBM प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए जापान, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया या डी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है डी अमेरिका। एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।